दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप लोगों का वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो पार्ट 5 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ट्रेन पर आधारित सवाल। आइए दोस्तों इसमें हम सीखें ट्रिक नंबर 13, रेलगाड़ियों पर सवाल निकालने की ट्रिक नंबर 13। बहुत शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। देखिए आप कितनी अच्छी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते हैं कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय भोपाल तथा आगरा से क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर रवाना हुई। एक दूसरे की ओर रवाना हुई मतलब वे अपोजिट साइड में चल रही हैं। बीच के किसी स्टेशन पर दोनों को मिलने से यह ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 50 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की है, तो भोपाल व आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो दोस्तों ये इसमें आपके सामने आंसर के ऑप्शन दिए हुए हैं, चार, इनमें से एक आंसर सही है और मुझे आशा है कि बहुत से बच्चे तो इसको निकाल चुके हैं। तो आइए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें। सबसे पहले तो हम सवाल में ये देखें कि हमको दिया हुआ क्या है कि दो गाड़ियां एक ही समय, समय एक ही है उनके चलने का, एक भोपाल से चलती है और एक आगरा से चलती है, जिनकी स्पीड एक की 60 किलोमीटर दी हुई है और दूसरी की 75 किलोमीटर की स्पीड दी हुई है। एक दूसरे की ओर रवाना हुई, विपरीत दिशा में वे चल रही है। बीच के किसी स्टेशन पर दोनों के मिलने से यह ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी ने दूसरी की अपेक्षा 50 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की है, तो भोपाल और आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें हमें वो डिस्टेंस तलाश करना, अभीष्ट डिस्टेंस दोनों स्टेशन के बीच में, आगरा और भोपाल के बीच में कितना था। तो इस तरह के सवालों को निकालने के लिए बहुत आसान सी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं कि दूरी, जो दूरी उसने पूछी है वो किसके बराबर होती है। इनको निकालने के लिए क्या है कि हमें जो इनकी स्पीड है, दोनों की जो चाल है उनको हम जोड़ देंगे। S1 प्लस और S2 हम इसको लिख रहे हैं, ये पहली गाड़ी की चाल है और ये दूसरी गाड़ी की चाल है, जो स्पीड है जो हमें दी हुई है, एक की 60 किलोमीटर एक की 75 किलोमीटर। फिर हम क्या करेंगे, बटे में दोनों की स्पीड का अंतर, यानी कि ज्यादा में से कम स्पीड को हम माइनस कर देंगे उसको। मैं स्पीड को क्या करूंगा दोस्तों, मैंने लिख दिया यहां कि S1 व S2 का अंतर, दोनों की स्पीड का कितना अंतर है, और गुणा कर देंगे जितनी दूरी ज्यादा चली है एक गाड़ी ने, ज्यादा दूरी तय की गई, ज्यादा दूरी तय की गई। तो क्या सूत्र हो गया दोस्तों हमारा, S1 जमा S2 और S1 माइनस S2, कोई सी भी दूरी ज्यादा हो सकती है, गुणा में ज्यादा दूरी तय की गई। कितनी दूरी तय की थी उसने, 50 किलोमीटर। अब उसको हम इसमें भर देंगे, बस कुछ नहीं है। एक की स्पीड कितनी है दोस्तों, 60, और दूसरे की 75, और दोनों का अंतर क्या होगा, 75 में से 60 गया दोस्तों 15, और गुणा में ज्यादा दूरी कितनी तय की थी, 50। आइए सोल्व हो गया, 60 और 75 को जोड़ू कितना होगा दोस्तों, 135, और 135 को मैं 15 से यहां पर भाग दे रहा हूं और ये 5 से 50 से गुणा हो गई। अगर मैं 135 को 15 से भाग दूं तो कितना आएगा, 15 निमा 135, 9 की और 50 की मल्टीप्लाई करूं दोस्तों तो कितना आया, 450, और जो हमारा बी ऑप्शन है ये 450 है। तो दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, प्लीज आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक हैगी, ये परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये भी किसी परीक्षा में पूछा गया था। आइए मैं दोस्तों लेके चलता हूं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 14। जो ट्रिक हमारे पास ये है, दो गाड़ी दिल्ली से अजमेर के लिए, बारी बारी से, दो गाड़ी दिल्ली से अजमेर के लिए, यानी कि वे एक ही दिशा में जा रही है। एक गाड़ी 8:30 पे शाम को और दूसरी गाड़ी 9:15 पे शाम को अलग अलग टाइम पर चलती है। पहली गाड़ी 8:30 पर चलती है, दूसरी 9:15 पर चलती है शाम को।
एक की स्पीड 60 किलोमीटर व दूसरे की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई, तो कितनी दूरी पर पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पकड़ लेगी। इस तरह के सवाल भी परीक्षाओं में आते हैं। जो मैं ये ट्रिक लाया हूं 14 नंबर, इसके द्वारा आप इसको निकालना बहुत चुटकियों में सीख जाएंगे दोस्तों। बहुत आसान सी ट्रिक है। और दोस्तों अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, मेरी पहले 4 वीडियो आई हुई है इन पे ट्रिक्स पे, आप उनको जरूर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है उनमें। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह की सवालों को हम कैसे निकालें, इसमें हमारे पास में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सत्य है। तो आइए इस सवाल को निकालना सीखे हम 100 ट्रिक से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इससे पहले एग्जाम्पल में बताया था कि हम जो दूरी निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं, दूरी को, दूरी बराबर S1 जमा S2 और S1 माइनस S2 दोनों चालों का अंतर। बस यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इनके टाइम का अंतर भी ले लेंगे, यानी कि टाइम हमको T1 माइनस T2 दोनों के टाइम का अंतर हम ले लेंगे कि कितने अंतराल पर वे ट्रेन चली थी। अब यहां पर देखिए सवाल, तो आपका सूत्र आपके सामने आ गया है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक मेथड है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आइए इसके सवाल में, इस सवाल में हम इनके टाइम का डिफरेंस निकालना भी सीखें। देखिए दोस्तों एक ट्रेन हमारी 9:15 पे चली थी, उसमें से हमने दूसरी ट्रेन के टाइम को घटाया, एक चली थी 8:30, तो कितना अंतर आया दोस्तों, 45 मिनट का अंतर आया 60 मिनट में से, 60 मिनट में से 45 मिनट का अंतर आया, 45/60। आइए हम इसको इसमें भर दें, तो यहां पे ये मल्टीप्लाई है दोस्तों, प्लस नहीं है, पहली गाड़ी की चाल गुणा दूसरी गाड़ी की चाल, दोनों गाड़ियों का चाल का मल्टीप्लिकेशन, एक की चाल 60 थी दूसरी की 75 थी, उनका अंतर कितना आया दोस्तों यहां पे 15 आया, और गुणा में कितना हुआ 45/60। आइए हम इसको काटें, इस 60 से हमारा ये 60 कट गया और इस 15 से हमारा ये 45 कट गया, कितना आया 3, तो हमारे पास क्या बचा 75 गुणा में 3, और 75 गुणा में 3 दोस्तों कितना होता है 225, जो हमारा ऑप्शन ए सत्य है कि 225 किलोमीटर की दूरी पर पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पकड़ लेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो उसको पकड़ जाएगी, जो 9:15 पे चली थी वो उसको पकड़ लेगी। आइए दोस्तों मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक और लेके आया हूं वीडियो में, ये ट्रिक नंबर 15 है, जरूर देखिए आप इसको, ये एडवांस लेवल का सवाल है दोस्तों और ये किसी भी परीक्षा में आ सकता है, बहुत छोटा सा सवाल है जो 2-3 सेकंड में हो जाता है अगर हमको ट्रिक आती है तो। दो रेलगाड़ियां दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, स्टेशन दो हैं और ट्रेन भी दो हैं और दोनों अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तथा रास्ते में एक दूसरे से मिलने के पश्चात पहली गाड़ी 2:49 तथा दूसरी गाड़ी 2:24 में अगले स्टेशन पर मिलती हैं। वे यदि दूसरी गाड़ी की चाल 52 किलोमीटर हो तो पहली गाड़ी की चाल बताइए, आप स्पीड बताइए पहली गाड़ी की। थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, लेकिन अगर हमारे पास सूत्र है या हम इसकी शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो हम किसी भी, मतलब 2 या 3-4 सेकंड मैक्सिमम इस सवाल को निकालने में लगेंगे। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सत्य है, तो आइए इस सवाल को हम निकालना सीखें। तो दोस्तों सवाल क्या, जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है कि S1/S2 पहली गाड़ी की चाल और दूसरी गाड़ी की चाल बराबर और अंडर रूट क्या होएगा दोस्तों, दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया टाइम बटे में पहली गाड़ी का टाइम,
इस सूत्र से ये सवाल हो जाता है, बहुत आसान सा सूत्र है। तो आइए सबसे पहले हम इनका टाइम देखें। तो टाइम क्या है, पहली गाड़ी का टाइम कितना है दोस्तों, पहली गाड़ी का टाइम जो है 2 घंटा 49 मिनट, दूसरी गाड़ी का टाइम माइनस ये बटे में पहली गाड़ी का टाइम। तो 2 घंटा 49 मिनट को आइए हम सबसे पहले मिनट में बदल लें। तो T1 बराबर किसके हो गया, 2 घंटा। 2 घंटा किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 120 मिनट और प्लस में 49 मिनट, तो कितनी होगी दोस्तों, 169 मिनट। अब इसी प्रकार हम T2 को ले लेंगे दोस्तों, इसका क्या हो गया दोस्तों, ये कितनी थी, 2 घंटे 24 मिनट। तो T2 का 2 घंटे 120 जमा में 24 मिनट को और जोड़ेंगे, कितना हो गया, 144 मिनट। आइए हम इसमें सूत्र में इसको भर ले। पहली गाड़ी की, अब वो क्या पूछ रहा है कि यदि दूसरी गाड़ी की चाल 52 हो, दूसरी गाड़ी की चाल 52 हो तो पहली को ज्ञात करें। तो पहली का तो हमें ज्ञात करनी, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, दूसरी की हमने यहाँ पे 52, और देखिए दोस्तों T2 कितना है हमारा, 144, और T1 कितना है, 169। आइए इसको हम सोल्व करें, ये खुल जाएगा कितना आया, 12, और ये कितना आया, 13। S1 बटे में 52 बराबर 12 बटे 13। अब ये जो 52 है ये इधर किस में है, डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो S1 बराबर आया 12 बटे 13 गुना में 52, 13 से 52 कट गया, कितना आया, 4। और S1 पहली गाड़ी की स्पीड कितनी आई, 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकालना आप सीख गए, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों ये 3 ट्रिक मैंने आपको बताई जो बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, एग्जाम में आती हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए, प्लीज आपसे अनुरोध है। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।